हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं लिपस्टिक कलेक्शन लेकर के आई हूँ 2018 में जो मेरे पास लिपस्टिक हैं वो। और अब इस साल के एंड में तो अब नहीं परचेज करने वाली हूँ, और जो परचेज करूँगी ऑफ कोर्स वो न्यू ईयर पे ही यूज़ होंगी। तो चलिए अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपनी लिपस्टिक्स का पिटारा। एंड ये हैं सारी की सारी मेरी लिपस्टिक्स, जिसमें लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, चबी लिपस्टिक्स हैं, बहुत सारी लिपस्टिक हैं। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि इसमें से आप की स्किन पर कौन सी जाएगी। तो एवरी इंडियन स्किन टोन पर ये सारी लिपस्टिक जा सकती हैं, क्योंकि मेरा इंडियन कलर ही है, और ऑफ कोर्स आप पर भी ये जाएगा। हाँ, बात करें इस लिपस्टिक की, सबसे पहले इसी से शुरू कर लेते हैं। ये है निका के न्यूयॉर्क से, एंड ये ब्लैक लिपस्टिक है एक्चुअली, और आपको इस पर रेड भी हल्का सा लगा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि मैं ये रेड पर अप्लाई कर लेती हूँ और शेड ही चेंज हो जाता है। अभी जो लेटेस्ट मैंने अप्लाई किया हुआ है रेड और पिंक से थोड़ा डिफरेंट है, एंड दिस इज़ द शेड शुगर मैट एज हेल क्रायोन लिपस्टिक 12 बेबी हाउसमैन, एंड ये 799 की है। जी हाँ, और ये लिप क्रेयॉन है, और इसे मैंने अप्लाई किया हुआ है। जस्ट सी द पिगमेंटेशन। जी हाँ, और एक चीज, शुगर के जो लिप क्रेयॉन है, लिप क्रेयॉन से ही शुरू कर लेते हैं। मेरे पास यू नो फेसेस का भी है अल्टिम प्रो से, एंड ये है इररेसिस्टिबल पिंक। तो जो क्रेयॉन मैंने लिए हैं, मेरे पास बहुत सेलेक्टिव लिपस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बट फिर भी अगर आप अपने लिए लेते हो तो ऑफ कोर्स मैं इनमें से आपको रेकमेंड करूँगी ये दोनों क्रेयॉन। यू नो ये फेयर स्किन टोन के लिए सजेस्ट करूँगी फेसेस कैनेडा का इररेसिस्टिबल पिंक, एंड इसे तो कोई भी लगा सकता है जो मैंने अप्लाई की हुई है शुगर की लिपस्टिक। और बात करते हैं अनदर लिप क्रेयॉन की। सो ये भी एक लिप क्रेयॉन के तरह ही है, बस ये है लिप ग्रेडेशन मेबेलिन न्यूयॉर्क से, एंड दिस इज ट्रूली एक्सट्रीमली रिच रियल पिंक। जस्ट सी दिस इज द शेड। जी हाँ, और यू नो मेरी वीडियो बिल्कुल एडिटेड नहीं है, बस लाइट मेरे रूम में जल रही है एक, और आप देख सकते हो शेड एकदम टोटली अमेजिंग है, और इसका प्राइस 550 है। एंड अभी मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग में ब्राइट ही दिखाऊंगी, और जब पिंक से शुरू किया है तो पिंक से ही शुरू कर लेते हैं दोस्तों। और लिपस्टिक देखिए, यू नो मेरा यही कहना है आपसे, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मेरा आपसे यही कहना है कि लिपस्टिक आप हमेशा आउटलेट पर जाकर परचेज करें, क्योंकि ताकि यहाँ पर जब भी वो अप्लाई करके दिखाते हैं लिप्स पर एक टोन हमेशा डार्क आता है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे कि आपके रिक्वेस्ट पर मैंने ये ली थी फेसेस अल्टिम प्रो, एंड दिस इज द शेड मिडनाइट रोज 12, और ये ना मरूनिश रेड है, दिस इज द रेड। जी हाँ, एकदम रेड वाला रेड नहीं है, बस नियोन और मरून का मिक्सचर है। तो ये दो शेड मैंने फेसेस से लिए हैं। बात करूं यू नो ब्राइडल लिपस्टिक की, तो ये एक्सट्रीम सजेस्ट करूंगी मैं, अगर इसको आप अच्छे मेकअप रिमूवर से रिमूव कर लेते हो तो ये अच्छी है। दिस इज मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपर स्टे मैट इंक, और ये लिपस्टिक पायनियर शेड है इसका 20। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक है, दिस इज़ द शेड। जी हाँ, ये वेडिंग डे के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये। और फेसेस में मैंने जो लिक्विड लिपस्टिक ली है उसमें उसमें एक शेड लिया है मैंने, अभी आपको दिखा रही हूँ मैं। दिस इज द शेड फेसेस कैनेडा अल्टिम प्रो, एंड द शेड इज किस ऑफ फायर। ये एक्सट्रीमली ट्रूली रिच रेड शेड है, इसका रिव्यू मैंने किया है, मैंने सभी लिपस्टिक्स के रिव्यू किए हैं, आप मेरे चैनल पर चेक कीजिएगा। और अगर आपको डिस्काउंट में लिपस्टिक मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि कलबार की ये जो लिपस्टिक है
जो मैंने कल के वीडियो में सजेस्ट की थी, एंड दिस इज द शेड ड्रीमी पिंक 005 कलर बार क्रीम टच लिपस्टिक। इस रेंज से आपको विंटर में एक लिपस्टिक लेनी चाहिए। दिस इज अमेजिंग ट्रूली। आपको लिप बाम, लिप ऑयल, लिप स्क्रब, कुछ भी एक्स्ट्रा लिप्स पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ ऑयल है, लाइक अर्गन ऑयल एंड जोजोबा ऑयल, मोरिंगा ऑयल, बहुत सारे ऑयल से मिलकर बनी है। प्लस SPF 15 है इस लिपस्टिक में, जो आपके लिप्स को सनस्क्रीन भी देगी। एंड ये है बटर लिपस्टिक निक्स से, एंड जस्ट सी एकदम बटरी है और बहुत ही ज़्यादा रिच पिगमेंटेशन है इसका, बहुत ज़्यादा अच्छी है विंटर्स के लिए, समर्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। लगाने को तो ग्लॉसी लिपस्टिक लगा लो, लेकिन फिर पसीना सा आने लगता है इधर उधर। और अगर आपको कहीं मिल जाता है कलबार फील द रेन कलेक्शन रेंज से लिपस्टिक मिल जाती है, तो आप ज़रूर से ट्राई करें। जी हाँ, मैं आपको शेड दिखा देती हूँ। मैंने तो एक ही शेड लिया था, और मैं ना इसे कभी कभी ब्लैक में मिक्स करके लगाती हूँ, आप देख रहे होंगे। सो मिक्स एंड मैच करके अप्लाई करती हूँ मैं हमेशा लिपस्टिक, इसीलिए आपको एक्चुअल शेड भी नहीं बता पाती हूँ कभी कभी तो वीडियो में। बात करें लैक्मे की करीना कपूर खान कलेक्शन से, तो ये दोनों इतनी महंगी लिपस्टिक मैंने परचेज की दोस्तों, एंड जस्ट सी द शेड, दिस इज द शेड इज फियरलेस रेड, एंड दूसरा है ब्लशिंग टेम्प्रेस। ये ठीक है, बट ये रेड के हिसाब से बिल्कुल भी वीडियो में आपको दिख रहा है, बट ये एज सच बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं है इसमें, और इसमें ना ग्लिटरी ग्लिटरी सा है, स्पार्कल है, सो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने ना पर्पल की एक लिपस्टिक परचेज की, दिस लिक्विड लिपस्टिक, सॉरी, ये अच्छी है, आई जस्ट लव दिस शेड। एक्चुअली इस तरीके के नियोनिश पिंक शेड मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और नायका की ये जो अल्ट्रा मैट लिपस्टिक लॉन्च हुई, इसमें से ये शेड है नूर या, सो ये भी अच्छी है, स्टेइंग पावर ठीक है इसकी, एज सच बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहेंगे। एंड ये है मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिप टिंट, दिस इज कलबार किस मी अगेन लिप टिंट, एंड ये है ऑल योर्स 001 शेड सी। इसको खाली आप लिप्स पर बस हल्का सा अप्लाई कर लीजिए, एंड 550 का है, और आपके लिप्स को लिपस्टिक वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरली इतने पिंक लगेंगे। और बात करते हैं पैक के मिनी लिपस्टिक्स की, तो ये है चार मेरे पास पैक की मिनी लिपस्टिक्स सी। जी हाँ, और ये लिपस्टिक्स में मैंने पिंक रेंज ली है, बहुत ही ब्यूटीफुल, चारों के रिव्यू मैंने किए हैं। NY की लिक्विड लिपस्टिक मैंने ट्राई की है, और आप देख सकते हैं 125 रुपए की है, और मैंने इसे दोबारा नहीं लगाया है दोस्तों, क्योंकि नंबर नहीं आया है, ब्रश इसका बहुत अच्छा है। और बात करें मेबिलीन की, मेबिलीन में जो कलर जॉल्ट रेंज है उसमें से मेरे पास हैं दो शेड, ये दो, एंड इन दोनों को ही मैं रेकमेंड करूंगी। ये तो फेयर स्किन टोन के लिए और जिनके लिप्स पिगमेंटेड हैं उनके लिए अच्छा है, वो इसे अप्लाई करने के बाद कोई भी लिप कलर अप्लाई कर सकते हैं, और ये तो ब्राइड्स के लिए होना ही चाहिए, बहुत ही बढ़िया लिप कलर है ये। दिस इज द शेड Maybelline New York Color Jolt Matte Intense Lip Paint, and the shade is 05 You Red Me. Yeah, इनके रिव्यू आप चेक कर सकते हो, फेस के साथ नहीं होंगे बट रिव्यू जेन्युइन है। नायका की मिनी लिपस्टिक सी, दिस इज द लिपस्टिक, एंड अच्छी है, इसका शेड मैंने लिया है रूबी, रेगल रूबी, और रेवलॉन से मैंने लिपस्टिक ली है कलबर्स्ट, जो कि शेड, हाँ, कलबर्स लिपस्टिक में ट्रू रेड मैंने शेड लिया है, एंड एक्सट्रीमली रेड है ये, दैट्स ट्रू, और ये 390 रुपीज़ की है। वैसे ये 650 वाली लिपस्टिक है, लेकिन इसमें इसका प्राइस इन लोगों ने कम कर दिया था रेवलॉन ने। और लैक्मे से जो लिक्विड लिपस्टिक हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मेरे पास ये शेड है लैक्मे एब्सोल्यूट मैट मेल्ट लिक्विड लिप कलर, एंड एक लिक्विड लिपस्टिक है वेटलेस मैट मूव्स लिप एंड चीक कलर, इससे आप एज अ ब्लश एज अ लिपस्टिक दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड जस्ट सी द शेड, शेड इज गॉर्जियस, ट्रस्ट मी, बहुत प्यारा शेड है, और ये 575 की है, एंड ये 750 की है, और
अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ लैक्मे का एनरिच लिप क्रेयॉन। मेरे पास है बेरी रेड, मैंने इसमें अभी एक ही लिया है दोस्तों, और ये मैंने सात आठ बार यूज़ किया है, उसके बाद यूज़ नहीं किया मैंने इसे। बात करते हैं मेबेलिन की लिपस्टिक के बारे में। सो मैं आपको इस तरीके से इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको ये लिपस्टिक्स दिखा सकूँ। तो मेबेलिन की लिपस्टिक्स में ये है मेबेलिन कलर शो रेंज से, एंड दिस इज़ द शेड न्यूड शेड, पीची पीची न्यूड, लेकिन मैं इसे रेड में मिक्स करके लगाती हूँ तो ये ना बड़ा ही प्यारा सा कोरल शेड हो जाता है। और ये 325 की आती है, एंड ये ली है मैंने तीन लिपस्टिक्स, यहाँ पर आप शेड देख रहे हैं तीनों के, जी हाँ, रेड पिंक एंड स्मोकी रेड, दिस इज़ द शेड। ये लोडेड बोल्ड से है, या एंड ये है पाउडर मैट से, दिस वन इज फ्रॉम पाउडर मैट, ये बहुत ब्यूटीफुल शेड है, गेट रेडी बाय। एंड ये है मैक रूबी वू का, बिल्कुल ड्यूप है एकदम, स्मोकिंग रेड, या दिस इज द शेड एंड आई जस्ट लव दिस शेड। एंड मैक रूबी वू भी मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज माई मैक रूबी वू मिनी लिपस्टिक है, और ये है 990 rupees की। इसकी जो बिग पैक आता है वो आता है 1500 rupees का। बात करें लैक्मे के ग्लॉसेस की, तो मेरे पास है लैक्मे का ये लिप ग्लॉस सिंपल सा, जो कि मैंने नायका से मंगवाया है, 200 rupees का है। एंड ये है लैक्मे एब्सोल्यूट प्लम एंड शाइन अप टू 6 hour 3D ग्लॉस, दिस इज द लिप ग्लॉस, लिप ग्लॉस, ओके। सो ये लिप ग्लॉस आई थिंक 450 का है, जी हाँ, बट ये ज़्यादा अच्छा है दोनों में। बात करते हैं लोटस की, तो लोटस के ये पेंट पॉट मेरे फेवरेट हैं, एकदम एक्सट्रीम नियॉन शेड है, सी द ऑरेंज, जी हाँ, और ये है मैजेंटा फ्रीक शेड नेम, ये है लोटस बटर मैट पेंट पॉट, जी हाँ, दैट्स ट्रू। एंड आई थिंक इसमें 4 शेड आते हैं, ये आप एज एन आई लाइनर एंड आई शेडो यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही सस्ता है, 349 का एक है। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये ना किस प्रूफ लिपस्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, आप जब तक इसको मेकअप रिमूवर से हटाएंगे नहीं, ये हटेगा नहीं, ट्रस्ट मी। अब बात करते हैं एलेटीन की लिपस्टिक की, तो एलेटीन के शेड भी काफ़ी है मेरे पास, ये दो तो हैं कोकोआ बटर रेंज के साथ जो आता है कलर बूस्ट से, एंड द शेड इज कोरल न्यूड एंड न्यूड बेज, मैं भी आपको दिखा देती हूँ, जी हाँ, दिस इज द कोरल न्यूड एंड दिस इज न्यूड बेज। न्यूड बेज जो शेड है वो एवरी स्किन टाइप शेड है, किसी पर भी बहुत अच्छा लगेगा, आई जस्ट लव दिस शेड, और मैं इसे 3 परचेज कर चुकी हूँ। और नायका की सो मैट रेंज से मेरे पास ये लिपस्टिक है, एंड ये है 24M फ्रैंकलिन कुकी, सी द शेड, दिस इज न्यूड शेड, एंड अच्छी है, विंटर्स के लिए अच्छी है। बात करें कलबार वेलवेट मैट की, तो मेरे पास हैं 2 शेड वेलवेट मैट रेंज से, एंड ये दोनों एक्सट्रीम पिगमेंटेड हैं, पहला है डीप फैंटेसी, दूसरा है हॉट हॉट हॉट, एंड दिस इज द शेड इज हॉट हॉट हॉट, एंड ये है दूसरा डीप फैंटेसी, बहुत हल्का सा अंतर है, ये रेड है, 325 की है ये, ऑनलाइन थोड़ा बहुत 10-20-50 rupees कभी कभी ऊपर नीचे दिखता है, किसी अनदर साइट से ना लें, जेन्युइन भरोसेमंद साइट से लें। कलबार की मैट टच लिपस्टिक पर आ जाते हैं, तो ये हैं 2 बेस्ट मैट टच लिपस्टिक शेड जो मैंने लिए हैं, एक है 57M एंड दूसरा है 12M टेम्प्टेड, एंड दोनों ही 550 की रेंज की हैं, ये दोनों ब्यूटिफुल शेड है मेरे पास कलबार मैट टच रेंज से। और ये शेड, इसको आप हमेशा पूछते हो कि आपने कौन सी लिपस्टिक लगाई है, इसलिए सुन लीजिए, 57M फॉल इन लव इसका नाम है, और ये ना
फेयर ब्राइड्स पे बहुत अच्छा लगेगा, कोरल शेड है, बिलीव मी बहुत ब्यूटीफुल शेड है ये, 550 ओनली। एंड बात करते हैं रीसेंट लॉन्च लिपस्टिक की, सो दीज आर माई फेवरेट, एंड ये है कलबार न्यूडिट रेंज से, ये आप देख सकते हैं नया नया लोगो, पकड़ में नहीं आ रही, जी हाँ सी कलबार न्यूडिट रेंज है ये, एंड ये है शेड अनड्रेस, ओके, दूसरा है ड्रेप, इसको तो मैं देख कर ही बता सकती हूँ, सी ड्रेप है, एंड तीसरा है बेफुट, या दैट्स ट्रू, ये तीनों शेड मैं एवरी डे यूज करती हूँ, इस वजह से मुझे इनके नाम भी अच्छे से रट गए हैं। बात करें नायका के लिप ग्लॉस की, तो बोलते बोलते जब मैं थक जाती हूँ तो इस तरीके से मुंह से आवाज़ कभी कभी निकल आती है ऐसे करके, तो बहुत सारे लोगों को वीडियो कमेंट करते हैं कि उन्हें इरिटेशन होती है, दोस्तों उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कभी कभी थक जाती हूँ बोलते बोलते। सो ये है नायका का ग्लॉसेट लिप ग्लॉस, एंड शेड लिया है मैंने 06 नेम ड्रॉप, यू कैन सी, जी हाँ ये इतना ही नियॉन पिंक है, एंड पिगमेंटेशन इज सो रिच, बहुत बढ़िया पिगमेंटेशन है इसका, और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, इसमें रेड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन मिलेगा आपको नायका की साइट पे। बात करते हैं अर्गन ऑयल लिपस्टिक से, जो कि लैक्मे रेंज से है, ये तीन लिपस्टिक मेरे पास हैं, ये है 800 की और ये है 750 की, ये दो हैं मैट लैक्मे एब्सोल्यूट अर्गन ऑयल मैट लिपस्टिक लग्स मैट, एंड ये है ग्लॉसी वाली, सो दिस इज़ द शेड ड्रेंच्ड रेड, एंड इसे भी कभी कभी यू नो ब्राउन के साथ मिक्स करती हूँ, सो मिक्स एंड मैच बहुत पसंद है मुझे लिपस्टिक्स में। एंड ये जो दो शेड हैं रेड वेलवेट एंड ड्यूई स्प्रिंग, ड्यूई स्प्रिंग एवरी डे कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको दिख रहा है, लेकिन लिप्स पे बड़ा ही प्यारा प्यारा सा पिंक शेड आता है लाइट। बात करें रेड वेलवेट की, दिस इज जस्ट फॉर ब्राइड्स, ट्रूली इट्स ऑसम शेड, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। बात करते हैं नायका की लिक्विड लिपस्टिक की, जी हाँ, तो मैंने तो दो ही परचेज की थी और दो ही ली, उसके बाद और भी शेड ऐड हुए थे इस रेंज में लेकिन मैंने नहीं लिए, ये हैं दो, दिस इज द मिष्टी एंड ये है कुड़ी, और ये दोनों लिक्विड लिपस्टिक के रिव्यू भी आपको मिल जाएंगे, और ये जो मिष्टी शेड है ना बिल्कुल आलता जैसा कलर है, मतलब इतना ब्यूटीफुल है कि आपको, अगर आप ब्राइड हैं, न्यूली ब्राइड हैं, या फिर आप यू नो आपको शौक है अच्छी लिपस्टिक रखने का, तो आप मिष्टी शेड जरूर रखिए, ये शेड बहुत अच्छा है, हालांकि ड्राई हो जाती है लगाने के बाद, ये भी सच है। बात करते हैं स्टेक वर्की की लिपस्टिक की, तो मैंने भी पर्पल की साइड से लिपस्टिक मंगाई थी, आप लोगों ने बोला था पर्पल से परचेजिंग कीजिए, तो एक तो मंगाई थी मैंने स्टेक वर्की लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक, दिस इज द शेड ब्लड ऑफ माय एनिमीज, दैट्स ट्रू, एंड दिस इज द शेड, बहुत ही प्यारा शेड है, आई कंट से, और मैंने जस्ट इसका यू नो नाम की वजह से मंगाई थी ये ब्लड ऑफ माय एनिमीज, एंड दूसरी है कृष्णा मेहता 35 ईयर्स ऑफ डिज़ाइन कलेक्शन से, एंड ये भी स्टेक वर्की की है, कोलैबोरेट वाला है, एंड दिस इज द शेड कंटेम्प्रेरी चिक, और ये भी आई थिंक मिलता जुलता रेड ही है इससे, या बट इतना पिगमेंटेड नहीं है सच, बस दो मंगाइयाँ। बात करते हैं लैक्मे की लिक्विड लिपस्टिक की, ओके, सो अभी मैंने आपको एक लिक्विड लिपस्टिक तो दिखा दी थी लैक्मे की, अब बात करते हैं यू नो वो भी दिखाई देती हूँ साथ में, ये दिखाई थी मैंने आपको, और ये दोनों जो हैं अब मैं दिखाने वाली हूँ। लैक्मे एब्सोल्यूट मैट मेल्ट लिक्विड लिप कलर, द शेड इज विंटेज पिंक फॉर एवरी डे रेड, फर्स्ट स्टार्टर रेड फॉर ब्राइड्स फॉर वेडिंग्स, एंड माइल्ड मोव इज फॉर एवरी डे फॉर ऑफिस गोइंग गर्ल्स, तो ये तीनों लिपस्टिक्स मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ना इनका टेक्स्चर बहुत अच्छा है और बहुत ही यू नो क्रीमी है, लॉन्ग लास्टिंग है, किस प्रूफ है, प्लस लिप्स आपके बिल्कुल ड्राई नहीं होते। बात करते हैं लॉरियल लिपस्टिक की, सो दिस इज द लिपस्टिक, एंड ये है लॉरियल ऑरेंजरी सनसेट, शेड नेम है 101, ओके, एंड ये है लॉरियल
एल एक्स्ट्री ऑर्डिनरी मैट लिक्विड लिपस्टिक, आई थिंक इसका नाम है, बड़ा ही कठिन सा है, बट इसका रिव्यू भी आपको मिलेगा। और ये बहुत ब्यूटीफुल न्यूड शेड है, इसका जो फॉर्मूला है बहुत मूजी मूजी सा आता है, बहुत बढ़िया। बात करते हैं वेट एंड वाइल्ड की, मेरे पास एक ही लिपस्टिक है वेट एंड वाइल्ड की, एंड ये मैंने आपके सजेस्ट करने पर ली थी, मिसी एंड फियर्स रेड शेड है, क्रुएल्टी फ्री है और बहुत ही ब्यूटीफुल रेड शेड है, एक्सट्रीम पिगमेंटेड। ओके, बात करते हैं दोस्तों 9 to 5 रेंज से लैक्मे की, इस रेंज से मेरे पास काफ़ी लिपस्टिक्स हैं, चलिए देख लेते हैं कितनी है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, ये भी 9 to 5 रेंज से ही है। ये है मेरी लैक्मे 9 to 5 रेंज की लिपस्टिक्स। ओके, सो पहला है लिप लाइनर, इसे मैं एज अ लिपस्टिक यूज करती हूँ। दिस इज द शेड ब्रिक रोज, 400 रुपीज का आता है। बात करते हैं नेचुरल रेंज से, सो ये है शेड फूशिया एले एंड रेड रॉज मेट्रो, सॉरी रेड शेड है यार। सो ये दोनों ब्यूटीफुल से शेड हैं, लेकिन अगर आपने यू नो फूशिया एले ट्राई नहीं किया है, ट्राई करिएगा दिस वन, दिस इज ऑसम एंड माय ऑल टाइम फेवरेट। समर्स के लिए बहुत अच्छी लगती है मुझे ये फूशिया शेड वाली लिपस्टिक्स। और इसकी प्राइस बड़ा अच्छा है, 550 ओनली, और ये ऑफर में तो आई थिंक 450 की मिल रही है नायका पे। बात करें अब प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक की, जिसका प्रिंट यहाँ से छूट गया है, ये है रेड लेटर, जस्ट सी, जी हाँ रेड लेटर, दिस इज द शेड, ओ माय गुडनेस रेड लेटर। एंड अनदर शेड इज मैपल मैप, इसी रेंज से, इसे भी मैं कभी कभी पिंक के साथ मिक्स करके लगाती हूँ, दिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल न्यूट्रेड। एंड अनदर इज रोजी संडे, जी हाँ दिस इज द रोजी संडे, एंड ये 480 की आती थी, अभी पता नहीं कितने की आती है प्राइमर मैट लिक्विड प्राइमर मैट चबी लिपस्टिक्स। और ये है लैक्मे 9 to 5 क्रीज लेस रेंज से, एंड दिस इज द शेड पीच पाथ, आई जस्ट लव दिस शेड, दिस इज वर्सेटाइल शेड, एवरी इंडियन स्किन टोन पर ये गजब का लगेगा। बोलते बोलते मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब आते हैं चलिए आ ही जाते हैं लैक्मे की लिक्विड सॉरी कलबार की लिक्विड लिपस्टिक पर। दिस इज माय फेवरेट, एक्चुअली दोनों मेरी फेवरेट हैं, और ये है कलबार किस प्रूफ लिपस्टेन रेंज से, एंड आप देख रहे हैं ये ओल्ड वाली पैकेजिंग है, और नई वाले जो शेड्स हैं वो मैंने अभी नहीं लिए, एक्चुअली महंगी है, 990 रुपीज़ की है अभी शायद, या 1000 की हो गई है, जब मैंने ली थी तो 900 की थी, और मैं 900 में ली थी। और ये शेड है ब्लश क्रश, सबके पास होना चाहिए जिसको पिंक पसंद है। और ये पाम बीच जो शेड है 005, इसके बारे में सवाल कर कर के मेरे सब्सक्राइबर ने इतना ज़्यादा सवाल किया है, अगर आपको पाम बीच लेनी है तो देखिए ये है, इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। और ये ब्यूटीफुल सा कोरली पीची न्यूड शेड है, एवरी डे के लिए, डे टाइम के लिए बहुत बढ़िया है, पर थोड़ी महंगी है दोस्तों, बट टेक्स्चर अच्छा है। बात करते हैं लैक्मे की इनरिच लिपस्टिक की, तो मेरे पास एक ही है लैक्मे इनरिच मैट लिपस्टिक PM11, एकदम ब्राइट पिंक फूशिया, जी हाँ मैं एकदम ब्राइट से शेड रखती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। बात करते हैं कलर एसेंस से, इससे भी मेरे पास एक ही लिपस्टिक है, एंड दिस इज द लिक्विड लिपस्टिक, शेड इज रेड सायरन रेड शेड है, एंड इस तरीके की पैकेजिंग है, आपके वॉलेट में इजीली आ जाएगी। ब्रश इसका बिल्कुल वैसा है जैसा NY की लिपस्टिक का है, NYB। ओके, बात करते हैं कलबार के लिप लाइनर की, जिसे मैं एज अ लिप कलर ही यूज करती हूँ लिपस्टिक की तरह, एंड दिस इज द शेड मैड पिंक, वेरी ब्यूटीफुल, मतलब जो शेड यहाँ होता है वही यहाँ पर एक्चुअल होता है, और इसमें शार्पनर भी दिया हुआ है, अच्छा है।
वाटरप्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है ये, और आप इसे एज अ लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लैक्मे एब्सोल्यूट की। ओके, सो लैक्मे एब्सोल्यूट रेंज से वैसे तो मैंने आपको लिपस्टिक्स दिखा दी हैं, बट फिर भी अभी कुछ लिपस्टिक्स बाकी हैं, जैसे कि ये रेंज एक आती थी, इस रेंज से अभी भी ये कहीं कहीं मिल जाती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। लैक्मे एब्सोल्यूट मैट लिप कलर एंड दिस इज द शेड एप्रिकॉट रश एंड पिंक पैशन। एप्रिकॉट रश तो बिल्कुल अपने घर पहुंच गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, एंड पिंक पैशन जो है दोस्तों वो अभी थोड़ी सी बाकी है, एंड आई जस्ट लव दिस शेड पिंक पिंक पिंक। हर एक ड्रेस के साथ पिंक जाता है, इस वजह से मेरे पास आपको पिंक ज़्यादा मिलेंगे, और मैंने करवा चौथ मंथ में रेड्स बहुत ले लिए थे। नेक्स्ट है लैक्मे एब्सोल्यूट शिमर इल्यूमिनेटिंग लिप शिमर एंड दिस इज द शेड स्कारलेट मैजिक जस्सी। और ये जो रेड शेड है ना, इसमें आपको ऑरेंजिश टोन दिख रही होगी, इसमें ना हल्का सा स्पार्कल है, जिस वजह से 700 रुपए की आती है ये, अभी भी मिल जाती है, आउटलेट्स पर आपको इजीली मिल जाएगी। एंड बात करते हैं लोटस इको स्टे रेंज से, सो दिस इज द शेड या दिस इज द शेड फ्लर्टी पिंक। आई जस्ट लव दिस शेड एंड ये इतना ब्यूटिफुल है, बस इतना सा ही बचा है। अब इस शेड को रीपर्चेज करूँगी और हाईली रिकमेंड करूँगी एवरी गर्ल, एवरी वुमेन, एवरी ब्राइड को, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। आप फिंगर से भी लेकर के हल्का सा और अप्लाई कर सकते हो, आपको ब्रश की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। अगली जो लिपस्टिक है ये है लोटस इको स्टे रेंज से रोज स्पेल एंड जस्ट सी द शेड, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन अब ये भी फिनिश होने को है, और रेड और पिंक का मिक्सचर है। 575 की है, अभी पता नहीं कितने की हो गई है, बढ़ गया हो प्राइस तो आई डोंट नो दोस्तों। और मेरे पास लिपस्टिक है लैक्मे एब्सोल्यूट रेंज से एंड दिस इज द शेड कोरल फ्लेयर, और ये लिपस्टिक बहुत ब्यूटीफुल रेड है, और विंटर्स के लिए हाईली रिकमेंड करूंगी इस रेंज से, आप जरूर ये लिपस्टिक ट्राई करें लैक्मे एब्सोल्यूट रेंज से। और मेरे पास इसी रेंज में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक शेड था, बहुत ब्यूटीफुल, हाँ मिल गया मेरा ये लिप कलर एंड दिस इज द शेड पिंक कैरिस, यू कैन सी। तो दोस्तों ये है ओवरऑल मेरी लिपस्टिक्स का कलेक्शन, एंड जो कि मैंने आपको डिटेल में दिखाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट एक साल से आ रही थी, और आप देख रहे हैं मेरी ये सारी की सारी ब्यूटीफुल सी लिपस्टिक्स, तो थैंक यू सो मच। और इनमें से आपको इंडिविजुअल रिव्यू देख करके परचेज करना चाहिए, बट इनमें से भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको मैक रूबी वू एंड लिपस्टिक कलबार की न्यूडिट रेंज से, तो ये सभी लिपस्टिक्स आप ले सकते हो, और मेबलिन के लिप ग्रेडेशन ले सकते हैं एंड लिप क्रेयॉन ले सकते हैं, शुगर के फेसेस से ज़्यादा अच्छे शुगर के लिप क्रेयॉन हैं एंड मुझे अच्छे लगे उससे ज़्यादा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल रारा, थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों। और ये है मेरी 2018 की लिपस्टिक्स, थैंक यू।